दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो मैं तंदुकार की आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सुबह के अभी 7:30 हो रहा है और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह सुबह ही होगी। और जस्ट अभी खुशी स्कूल चली गई, उसकी बस आई और वो चली गई। और इतना ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं, पूरा फॉगी फॉग है। पूरा ऐसा लग रहा है कि आसमान ही नीचे धरती पर उतर गया है, इतनी ठंड है। कल दिन भर धूप थी, तो दिन भर हमने धूप में काम, मतलब जो धूप के काम होते हैं ना, वो कर लिए, कपड़े धोने वगैरह, क्योंकि बहुत दिनों से ना कपड़े धुल पा रहे हैं अच्छे से और ना ही सूख पा रहे हैं। तो हमने कपड़े वगैरह धोए, लेकिन आज मतलब ऐसा हो रहा है आजकल कि एक दिन धूप आ रही तो दूसरे दिन वो कोहरा हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और तबीयत भी आजकल सबकी ऐसी ख़राब हो रही, क्योंकि ठंडा गर्म जैसा लग जा रहा है। तो दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए और गरम गरम चाय भी पीते रहिए। यस, तो हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं नाश्ते में, और बना है भटके आटे का साग, यानी कि भटकी आटे की झोली बोल सकते हैं, सॉरी साग नहीं, ये है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और गर्म होता है। तो इसके साथ में हम बनाएंगे चावल। तो ये पापा लोग के लिए है, और ये जो दाल बनेगी इसके साथ हम चावल बनाएंगे। और फिर सुबह के 10:30 हो रहे हैं, और मेरा हुलिया वैसे ही है, हाथ मुँह धोया है सुबह, बस हो गया, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था, आपने देखा ही। और अभी बहुत अच्छी धूप खिली है, और फिर हम सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, यानी कि मतलब सुबह ही आज हमने दाल चावल और रोटी बना लिए। तो लो जी, सुंदर सी बढ़िया सी धूप खिल चुकी है, और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे बुआ के साथ। बाय बाय। तो यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे, और अभी मौसम एकदम साफ हो चुका है और बढ़िया सी धूप आ गई। तो अब फटाफट से हम लोग भी खाना खाएंगे। और तो लो जी, मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, और अपना लुक भी मैंने सही कर लिया है, और अब मस्त सी हम लोग धूप सेक रहे, मैं, अंशु और गोलू। तो अंशु ये है, अंशु की मम्मी ना कहीं काम से गई है, फिर आ जाएंगी जल्दी। तो अभी हम लोग धूप सेक रहे मम्मा। हाँ, क्या कह रहे हो? वाह, पराठा खा रहे हो? खाओ खाओ। तो गोलू अभी भूख लगी ना उसको, थोड़ी देर धूप सेकते हैं मस्त सी। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं, ये सब धुले कपड़े हैं, इनको मैंने एक बार धूप भी दिखा दी अच्छे से। और अब मैं इनकी यहाँ पे बैठे बैठे तय कर लेती हूँ, यानी कि सारे क्या कर रहे हो यहाँ? हैं? मामा आ गए? हाँ मामा, जल्दी आ जाओ, मामा आ गए, आ जाओ आ जाओ, मामा मामा पीटी। तो लग चुकी है सेल, आ जाइए आ जाइए, और सस्ते सस्ते दामों में कपड़े ले जाइए। वही हाल हो रखा है ना, क्योंकि ये ना 2 दिन के कपड़े धुले हैं। जब धूप नहीं आती है ना, हम कपड़े बिल्कुल नहीं धोते हैं, सिर्फ जो ज़रूरत के कपड़े होते हैं उनको धोते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा कपड़े हमारे बच्चों के हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना हमें टाइम टाइम पे चेंज करने ही पड़ते हैं, गीले कर देते हैं। कहीं नहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाकर तब भी कपड़े अपने गीले करके लाएंगे, और कभी अगर कहीं पर पानी मिल जाए तो वहाँ पर खेल करेंगे। पता नहीं क्यों बच्चों को ना ठंडा लगता है ना कुछ, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों को ठंड ना लगे, इसलिए हम उनके कपड़े चेंज कर देते हैं। और तो ये है मेरी सबसे फेवरेट जैकेट खुशी की, तो हमने ना ये काशीपुर से ली थी, तब खुशी हमारी शायद डेढ़ दो साल की थी, हाँ, तो तब उसके लिए ये जैकेट ली। उस टाइम पर हमें लगती थी कि बहुत बड़ी है, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार, ये तो बहुत छोटी है, लेकिन ये अब चलो। अरे, और यार ये बच्चों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है, यहाँ घुस जा रहे हैं। यहाँ है क्या? क्या है यहाँ? नहीं बाबू, मामा आ गए। हाँ मामा, ये है अंशु, ये जल्दी आ जाओ, मामा आ गए। तो खुशी आ चुकी है, और मेरी दौड़ हो रही है खुशी को लेने के लिए, मैं जा रही हूँ। तो मैंने तो सोचा ऊपर से आ जाएगी, बट नहीं, वो प्रणव की मम्मी के साथ आ गई। चलो चलते हैं, खुशी को लेके आते हैं।
तो खुशी आ गई प्रणव लोगों के साथ। और आज ये साड़ी में बहुत ही मस्त लग रहे हो यार, सच्ची मैंने इनको कभी ब्लॉग में नहीं लिया और आज मेरा खुद ही मन किया बिना पूछे मैंने इनको ब्लॉग में ले लिया। सच में यार बहुत ही सुंदर लग रहे हो। जब हम किसी को कभी कभी हम साड़ी में देखते ना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैंने इनको पहली बार साड़ी में देखा, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने तुरंत सूट कर लिया इनका। और आ गए भाई, हेलो बच्चों। तो अभी शाम के 4:45 हो गए हैं, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और अभी ना अब ठंड भी शुरू होने लगी, मुझे जाड़ा लगने लग गया, सर दर्द भी शुरू हो गया मेरा, तो मैंने इसका आपसे अपने को खबर कर लिया है। और तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए मडवे का लेटा बना दूँ, क्योंकि मेरे तो ना मुँह में अभी से पानी आने लग गया, गम है। चलो खाओ खाओ, तो सबको भूख लग गई है और बच्चे खा रहे हैं। कैसा लगा, कैसा है? गोलू कहाँ कहाँ जा रहे हो? दुदू दुदू लाओगे? चलो फिर चलो। तो गोलू जा रहा है दुदू लेने। ये वो तेरे अभी लग गई थी गेट से, और सारे बच्चे गोलू से मिलने आ गए। ये खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चलो 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 ताई बोलो। ताई नियाली, तो दूध लेके आ गए हैं और अब अंधेरा भी होने लग गया है। ये लड़का ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। और ठंडा फिर से ठंडा होने लग गया, लेकिन मौसम अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा मौसम भी अच्छा लगता है। की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम में जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो चाय बन गई है और मैंने इसको भर लिया है लोटे में, तो गिलास ले जाती हूँ और अंदर अब हम मिल के पियेंगे चाय, गुड़ की चाय पियेंगे। चूल्हे का स्वाद तो आप सभी को पता है, तो आज इस कढ़ाई को मैंने कुछ इस तरह से बढ़िया वाला लेप बना दिया है और अभी थोड़ा ये सुखा दिया, तो इसको रख देते हैं साइड पे। चुप घुंघरू छमने करे छम भतराल सुना लो, तो मैं ये लहसुन की खिचौड़ी बनाऊंगी, खिचौड़ी पता लहसुन को थेज लेते हैं। सरसों का तेल, कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरदार आए हैं। रोटी डाला हमने जीरा और ये लौंग का मिर्च, इसमें डाल दिए हैं ये हमने आलू और बिन आलू। ज़्यादा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है।